के जलप्रपात बार बार पूछे गए प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है। आगे देखते हैं, पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पायकारा जो जलप्रपात है वो तमिलनाडु राज्य में है। जोंग या गौर सापा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कौन से राज्य में है? तो ये अभी देखते हैं, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आगे देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। ठीक है, कुडुरु जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। किसमें? झारखंड में, कुडुरु झारखंड। ठीक है, ढाढ़ा से या बीच में ढारा तो लास्ट में झारखंड में ढाल, इससे याद रखना। ठीक है, कुडुरु जलप्रपात झारखंड। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में? मध्य प्रदेश। धुआंधार मध्य प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में? तो ये कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। मधार जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी। ठीक है, गोकक जलप्रपात किस राज्य में? गोकक, तो गोकक है तमिलनाडु में, गोकक तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टोस नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार जलप्रपात टोस नदी पर। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। ठीक है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो पायकारा। पायकारा कहाँ पर है? तमिलनाडु, याद रखना। ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। कपिल धारा नर्मदा नदी। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्रकूट। वेरी इंपॉर्टेंट, नियाग्रा जलप्रपात को चित्रकूट के नाम से। आगे देखते हैं, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिहड़ी नदी पर, बिहड़ नदी पर। ठीक है, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चुलिया, तो चुलिया जलप्रपात है मध्य प्रदेश में, चुलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर, पुनासा चंबल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल, कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल, याद रखना कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में? तो कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में? कर्नाटक, कुंचिकल कर्नाटक। ठीक है, आगे देखते हैं, टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। और आज का मोटिवेशन कोट हम देखते हैं, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें।